Very curious to ask you about something. Have you ever had an accident? Or what forbid you will not have it, but what will you do in that situation if you ever had an accident? Basically, my response will be on the basis of the type of injury I've had. Let's say I'm having a very minor injury, then I will prefer to have a first aid kit and I will just treat myself. But if I'm having some serious injuries, I will rather go and seek help from the doctor. Yeah, so basically it means that whenever we are facing health issues or having any injury, we must try firstly to take care of ourselves. And if it is not possible, then we will might take help of our parents and or family or friends, etc. to reach out doctor, right? But what about animals? If we are talking about pet animals, well, they already have their owners. And the owners are mostly very well trained on how to take care of the pet animals. But here we are talking about wild animals. Wild animals live at forests, and forests have veterinary doctors or officers which take care of themselves. That's fantastic. But what about what exactly does a forest officer do? फॉरेस्ट वेटरनरी ऑफिसर्स की मेन जॉब होती है कि वो एनिमल्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड करें. फॉर एग्जाम्पल उसकी इंजरीज को ट्रीट करना, कोई डिजीज है तो उन्हें मॉनिटर करके उन्हें ट्रीट करना, जरूरत पड़ने पर की सर्जरीज परफॉर्म करना. वेटरनरी ऑफिसर्स जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी पार्ट होते हैं, की मदद से वो पूरे फॉरेस्ट की जो एनिमल स्पीसीज होती है उन्हें मॉनिटर करते हैं, टैकल करते हैं, और अगर उन्हें कोई हेल्थ डिसीज है तो उन्हें ओवरकम करने में अपना योगदान दे. That seems very challenging and fishy. I can't wait now more to know deeply about this. Anyways, आम भाई की कहानी along with Kinan Gombani of 11th grade from Sri H.J. Gajera Higher Secondary School, Tran. Welcome here our honorable guest, Dr. Hitesh Swamjaisar. Thank you. Dr. Hitesh Swamjaisar is a veterinary officer at Gir Forest. He is majorly engaged in treating wild animals like tigers and lions. He has also been awarded thrice for his excellence in his field. We warmly welcome you to Gajera School. Thank you. Before moving forward, we would like you to watch a video which is shooted by Hitesh sir himself. So, Hitesh sir, as जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हर एक प्रोफेशन में कोई ऐसी एक चीज होती है जो फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. तो आपका एक नॉर्मल डेली रूटीन कैसा होता है? नॉर्मली डेली रूटीन हमारा ऐसा होता है 24/7 की जॉब है, तो मतलब कौन सा भी काम हो, कैसा भी काम हो, अगर इम्पोर्टेंट काम भी हो तो भी उसको छोड़ के हमें कभी भी जाना पड़ सकता है. काफी बार तो ऐसा हुआ है कि अगर हमारा पूरा फैमिली इकट्ठा होके हमारी वेट करके बैठा होता है, लेकिन फिर भी उसका जो खुशी होती है उसकी खुशी को छोड़ के हम एनिमल का कंजर्वेशन प्राइमरी रख के उसको छोड़ के भी जाना पड़ता है. तो हमारी जॉब जो है वो 24/7 की जॉब है, कभी भी हमें जाना होता है. मान लीजिए कि अगर हम खाना खाने बैठे हैं, काफ़ी बार मैंने ऐसा भी फेस किया है कि काफ़ी बार मैं खाना खाना बैठा होता हूँ और कहीं से भी ऑफिसर का फ़ोन आ जाए कि यहाँ पर कोई लायनेस बीमार है, यहाँ पर कोई लायन बीमार है, या कुछ रेस्क्यू करना है, किसी के घर में घुस गया है, या फिर हाउस में, स्कूल में, कहीं पे भी ट्रैप हो गया है. तो ऐसे टाइम पे हमारी खुशी छोड़ के, हमारा मतलब जो काम है उसको छोड़ के प्राइमरीली उसको हम प्रेफरेंस देते हैं और वहाँ चले जाते हैं.
सर आपके प्रोफेशन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप फुलफिल करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, या फिर से आप ऐसी कौन सी चीज आपके जो बहुत पसंद करती थी? ये अभी जो मेरा जॉब है उसमें सबसे बड़ी चीज है लाइन कंजर्वेशन, जो कि अब अभी इस टाइम का सबसे बड़ा और सबसे हॉट टॉपिक है लाइन कंजर्वेशन। हमारे स्टेट में सबसे बड़ी जो चीज है गुजरात में, तो एशियाटिक लाइन है। पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लाइन कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं। हम देखने जा सकते हैं वो अफ्रीकन लाइन है, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन एशियाटिक लाइन ओनली गुजरात में ही पाए जाते हैं और वो भी हमारे गिर में पाए जाते हैं। तो उसका कंजर्वेशन करने का मौका जो मुझे मिला है, और ये मेरा सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, मेरा हॉबी के साथ मेरा ये जो प्रोफेशन के साथ मेरा हॉबी, सो इसको मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। और मुझे वो खुशी है कि इतने 10 साल में, मैं 2011 से इस जॉब में ज्वाइन किया है मैंने ये जॉब, तो मेरे ये 11 साल की जॉब में मैंने काफ़ी ऐसे रेस्क्यू किए हैं, ऐसे कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन में मैंने पार्ट लिया है। वो खुशी मुझे बहुत है, और वो खुशी का महसूस तब होता है जब हमें कोई हमारे साथ जो काम किया हुआ स्टाफ मिलता है और कभी कभी मुझे बोलता है कि सर ये वो लाइन है से जिसको हमने बचाया था और ये उसके बच्चे है, अभी उसने 2 बार बच्चे दिए हैं, दूसरी बार बच्चे देने वाली मादा है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और खुशी महसूस। सर तो आपकी लाइफ में अब तक आपकी ये जो पूरी जर्नी है उसमें आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन सा था? अभी तक की जर्नी में जब एक लायनेस थी, वो सावरकुंडला के नजदीक एक जाबाल करके गांव है, उसमें वो कुएं में गिर गई। उस टाइम रेस्क्यू करने में सभी स्टाफ था, मेरा ट्रेकर्स थे, स्टाफ थे, आरएफओस थे, और पूरा जो रिलेटेड स्टाफ था वो सभी ट्राई करता था, लेकिन वो कुआ इतना डिफिकल्ट था कि उसके आसपास में पूरी झाड़ी लगी हुई, क्योंकि बाजू में वो वड़ का पेड़ था, तो उसकी जो वड़वाइयाँ रहती है वो पूरे कुएं में फैल गई, और उसमें एक ही पार्ट ऐसा था कि थोड़ी सी ही जगह थी उसमें से सड़क के लाइनेस उसमें घुस गई थी, मतलब कुएं में गिर गई। तो वो टास्क ऐसा था कि हम अंदर नहीं जा सकते थे, ऊपर से सिर्फ उसको देख सकते थे, तो हमने उसको देखा, लेकिन वो कुआ इतना डिफिकल्ट था कि उसको रिमूव करना, वो झाड़ियाँ जो थी वो डीपली इंसर्ट होके अंदर सभी जगह पे स्प्रेड हो चुकी थी, तो उसको रिमूव करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था। उस टाइम पे अंदर जाने के लिए मतलब जो मानस है, आदमी है, अंदर जाने से उसका जो श्वास है वो रुंध जाता था, उसका श्वास में थोड़ी घुटन होने लगती, तो ऐसे टाइम पे अंदर जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट था। उस टाइम पे सभी ने ट्राई किया, पहले हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेकर थे वो अंदर गए, उसके बाद टीम के दूसरे टीम जो हमने बुलाई, क्योंकि वो नहीं निकल पाई अंदर जाने के बाद, उसको थोड़ी घुटन सी होने लगी, उसको बाहर निकाला गया, फिर दूसरे जो स्टाफ थे उसको बुलाया गया, उसने भी ट्राई किया, उससे भी ये नहीं हो पाया। उस टाइम मैंने खुद ऐसा बोला कि चलो अभी मुझे एक चांस दे दो। सभी ने मना किया कि सर नहीं, आप कभी अंदर गए नहीं है कुएं में, और मैंने कभी कुएं में जाके ऐसा रेस्क्यू नहीं किया था, वो मेरे शुरुआत के मतलब जो दिन थे उस टाइम का ये रेस्क्यू था, तब मेरी शुरुआत थी, 2012-13 साल की बात है। फिर मुझे कुएं में अंदर उतारा और आधे कुएं में जाके फिर वो लाइनेस को मैंने लुक डाल दिया और लाइनेस को बाहर निकाल दिया, वो जो रेस्क्यू था वो मेरा सबसे अच्छा और बड़ा रेस्क्यू। तो सर जैसे आपने बहुत सारे लाइनेस को रेस्क्यू भी किया है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए, और अगर हुआ है तो तब आप कैसा फील? अभी तक के 100% में से 95% केसेस ऐसे हैं कि मैंने सोल्व कर दिए है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रेस्क्यू उसका बाकी रह गया हो, लेकिन हाँ 5% केसेस ऐसे रहते थे कि जहां हम रेस्क्यू नहीं कर पाते थे, लेकिन उसमें हमारा एफर्ट वही रहता था कि अगर वो रेस्क्यू उस दिन नहीं हो पाता है तो फिर हम उसको छोड़ देते, क्योंकि लायन का टाइमिंग जो है ना वो बहुत परफेक्ट रहता है, वो मतलब हमारे जैसा नहीं है कि हम 10 बजे का बोलते हैं और 12 बजे चले जाए, ऐसा नहीं है, वो उसका टाइम होता है ना, तो अपना जो रूटीन शेड्यूल है उसमें वो बहुत फिट रहता है, तो फिर जब हम रेस्क्यू करते हैं और हमें लगता है कि अभी लाइन आने का टाइम नहीं है और वो अब आएगा भी नहीं, तो पूरी रात हम नहीं बिगाड़ते हैं उसके पीछे, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, दूसरे दिन वो फिर से हम रेस्क्यू की शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसे रेस्क्यू बहुत कम है, क्योंकि अभी तक का मेरे करियर में 95% केसेस के जो रेस्क्यू है वो हमने कर ही लिए। फिजिकली आप
कौन से टाइप के एनिमल्स या ब्रीड्स की कौन से टाइप्स ऑफ ब्रीड्स की अवधारणा ने लायन लेपर्ड और रेप्टाइल में काफी जो वाइल्ड एनिमल सभी है वो सभी हमारे में आते हैं और सभी की हम देखभाल करते हैं, रेस्क्यू करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं और सभी का पोस्टमार्टम भी हमें ही करना होता है। काफी बार क्या होता है कि हम जंगल में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जो आसपास के गांव है, जंगल के आसपास के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जोन के आसपास के गांव आते हैं उसमें काफी बार ऐसे होते हैं कि थोड़े टिपिकल जो कभी मतलब लोकल जो पब्लिक है वो बर्ड्स को या एनिमल्स को पहचानती नहीं है, लेकिन इंजर्ड हुआ है या कुछ हुआ है तो वो लेके चले आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल जैसे कि लायन, लेपर्ड, आइना, क्रोकोडाइल, पाइथन, हनी बर्गर, पेंगोलिन, सभी एनिमल्स आते हैं और मैंने सभी एनिमल्स को ट्रीट किया। तो सर, जैसे हम ह्यूमन बॉडीज को कभी कभी प्रिजर्व करते हैं, तो ऐसे डेड एनिमल्स की बॉडीज को प्रिजर्व करना वैलिड? हम जैसे ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करते हैं वो लीगली हम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो उसके सगे संबंधी है या फिर उसका जो रिलेटिव्स है वो अगर परमिट देते हैं तो वो ज्यूडिशियल है और हम कर सकते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में 1972 के नियम के अनुसार वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार हम उसका प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते और ना ही तो हम उसका सिंगल पार्ट भी प्रिजर्व कर सकते हैं, वो एक गुनाहित कृत्य है और उसकी वजह तुम्हें 7 साल की सजा या फिर दूसरा दंड भी हो सकता है। इसलिए हम कोई भी एनिमल का पार्ट या एनिमल की बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर सकते। सर, हम जब बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते हैं, लेकिन हम ऐसे एनिमल्स की हम कैसे पता कर सकते हैं कि उन्हें इंटरनल इंजरीज है या फिर उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज है, वो हम कैसे? एनिमल्स जो है ना वो पूरा जंगल में घूमता है और जंगल में एक मालधारी करके जो समाज है, मतलब जो मालधारी बनाती है वो अपनी गाय भैंस मतलब वो सभी चराने के लिए जंगल में जाते हैं। तो जो लायन है उसके आसपास जब गाय या भैंस वो मतलब जब वो चराने जाते हैं तो उसके पास जब वो जाती है तो वो अचानक से भड़क के बाहर निकल जाती है, मतलब घबरा के इधर उधर हो जाती है। तब जो वो मालधारी उसको चराने वाले जो हम उसको गोवाड़ बोलते हैं वो जब वो जाके देखते हैं तो उसको पता चलता है कि यहाँ कोई एनिमल बैठा हुआ है, इसकी वजह से इसको थोड़ी घबराहट हो गई है सभी एनिमल्स को और इधर उधर वो भटकने लगे या भागने लगे। तो उस टाइम वो जाके उसको देख के थोड़ा ट्राई करता है कि पास जाने की, अगर वो नई मूवमेंट देता है या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर उसको लगता है कि ये एनिमल बीमार है और यही एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो वो रिलेटेड जो स्टाफ है गार्ड, फॉरेस्टर या आर ए फोर्स उसको वो इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो उसको इन्फॉर्म करने के बाद आर ए फोर्स हमको इन्फॉर्म करते हैं और हम वो जो स्पॉट होता है वहाँ जाके हम उसको चेक करते हैं कि एनिमल बीमार है या नहीं है। सर, आप एनिमल्स को मॉनिटर कैसे करते हैं? मतलब फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, तो आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि ये एनिमल यहीं पर? एनिमल्स को मॉनिटर करने के लिए उसके काफी सारे साइंस रखे जाता है एनिमल, जैसे कि अगर एनिमल कहीं पे भी बैठा हुआ है या आसपास के विस्तार में बैठा हुआ है तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर गार्ड फॉरेस्टर वो जो है उसका फुट पेट्रोलिंग रहता है, वो चल के रास्ते पे जाते हैं और जंगल में घूमते हैं और उस टाइम उसको पता चलता है। सबसे पहला उसका ऑब्जर्वेशन रहता है फुटप्रिंट्स, फुटमार्क्स, जो एनिमल के फुटमार्क्स रहते हैं उसको ऑब्जर्व करते करते वो एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि काफ़ी सालों से वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको पता होता है कि ये फ्रेश फुटमार्क है या फिर एक दिन का पुराना फुटमार्क है या फिर 2 दिन का पुराना फुटमार्क है, वो सब उसको पता चल जाता है। तो उस हिसाब से वो पहला ट्राई करते हैं कि फुटप्रिंट के हिसाब से एनिमल के पास चले जाए। दूसरा निशाना रहता है कि आसपास के जो पेड़ है जहाँ जहाँ पे एनिमल चला है वहाँ पेड़ पे अपने नाखून वो स्क्रैच करता है, पेड़ के जो थड़ रहता है पेड़ का उस पे नाखून को ऐसे स्क्रैच करता है, तो वो साइन पे भी हमारा जो स्टाफ है गार्ड फॉरेस्टर वो चले जाते हैं। और तीसरा उसका ये साइन रहता है, तीसरा निशाना ये रहता है कि काफ़ी बार क्या है कि आराम से चलते हैं तो एनिमल का रोरिंग जो होता है उस हिसाब से भी उसको पता चल जाता है कि एनिमल इस साइड पे है या इस डिरेक्शन में है, उस हिसाब से वो स्टाफ चला जाता है एनिमल का लोकेशन करने के लिए। उसके बाद चौथा साइन है कि अगर उसका स्केट रहता है तो उसका स्केट जो है उसकी जो स्मेल रहती है वो थोड़ी टिपिकल रहती है, तो स्मेल की वजह से भी, स्मेल की डिरेक्शन के हिसाब से भी स्टाफ उसको। तो
और हम एज ह्यूमंस हम तो जिस ईयर में बॉर्न हुए उसको काउंट करके हमें पता चल सकता है कि हमारी एज ये है. एनिमल्स की एज हम कौन से फैक्टर्स पे डिसाइड? सभी एनिमल्स की एज जो है वो जनरली एक ही फैक्टर पे डिपेंड रहती है, उसके ग्रोथ फॉर्मुलेशन जो है उस पे डिपेंड रहती है. उसमें ICPM का फॉर्मूला रहता है, मतलब कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये जो पैटर्न है वो टीथ की पैटर्न रहती है, उस हिसाब से हम उसका एज डिसाइड करते हैं. लेकिन जनरली जो वाइल्ड एनिमल है उसमें ये सभी पैटर्न, मतलब प्रीमोलर, मोलर, वो सभी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसको देखना, आराम से उसको आराम से देखना. तो उसमें हम जनरली कैनाइन टीथ को ही प्रेफर करते हैं. उसका जो टेक्सचर रहता है, कलर रहता है, उसका जो टेबल है वो कितना घिसा हुआ है, साइड में जो ऐसे, मतलब वो कैनाइन का टीथ है वो सामने सामने ऐसे फिट रहे, तो जो उसमें ग्रूव जो बनता है सामने सामने फिट होने से, जो दो कैनाइन में जो ग्रूव बनता है, तो वो ग्रूव के हिसाब से भी हम एनिमल का उम्र जो है डिसाइड कर सकते हैं. लास्टली अगर आप अगर मेरी तरह कोई फॉरेस्ट ऑफिसर अगर बनना चाहता है तो मैं उसको ये सलाह देना पसंद करूंगा और ये सलाह दूंगा, क्योंकि ये जो अभी जनरेशन है वो इतनी फास्ट जनरेशन हो गई है कि एनिमल का कोई सोचता नहीं, वो मतलब खुद का स्वार्थ रख के एनिमल को ट्रीट करते हैं. और मैं सबको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको एनिमल का डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले मनी के पीछे नहीं भागना, आपका जो सही में आप उस पर काम करो, एनिमल को अच्छा करो. अगर उसका ओनर है तो ओनर के सामने मत देखो, बस एनिमल है, एनिमल को एनिमल की तरह ट्रीट करो, कि उसको कोई मतलब अपनी जैसी सेंस नहीं है, अपनी जैसा ह्यूमर नहीं, वो ना ही तो ओनर को पहचानता है ना ही एनिमल डॉक्टर को पहचानता है. लेकिन हाँ, ओनर को भी पहचानते हैं और एनिमल डॉक्टर को भी पहचानते हैं. तो हमारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि एनिमल की ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा करना और अच्छी ट्रीटमेंट. जैसे कि आपने कहा ये बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या असर? बहुत फास्ट कंजर्वेशन के कारण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत उसका असर पड़ा है. आज अभी जो है वाइल्ड लाइफ में लास्ट जो एनिमल सेंसस हुई थी लाइन की, उसमें 672 एनिमल बताए गए थे. तो अगर एक एनिमल के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करें तो मिनिमम उसको 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए एनिमल. अगर उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करें और मल्टीप्लाई करें तो अभी जो एरिया है उसमें इतने लाइंस रह भी नहीं सकते. तो अभी क्या है, मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बढ़ गए हैं. एनिमल का ह्यूमन पे अटैक, ह्यूमन का एनिमल पे अटैक, मतलब जो ह्यूमन ने अभी इतनी सारी डेवलपमेंट की वजह से अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी फील्ड में हम कभी भी जाते हैं तो रास्ते में भी हम गुजरते हैं, उस टाइम हमने देखा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन रखा हुआ होता है रात के टाइम. अभी एनिमल को वो नहीं पता होता है कि यहाँ इलेक्ट्रोक्यूशन है, वो अपने ही मूवमेंट में, मतलब अपने ही विस्तार में, अपने ही रूट पे वो मूवमेंट करता है. और एनिमल के सभी जो रूट है वो फिक्स रहते हैं, उसी रूट पे वो जाता है और उसी रूट पे वो आता है. हमारे जैसा नहीं है कि हमारा घर इधर है तो हम यहाँ छोड़ के दूसरे के घर में भी चले जाए. एनिमल में वो प्रोटोकॉल बहुत, और वो जो उसका शिस्त है वो बहुत फॉलो करते हैं. अगर उसका एरिया है उसको छोड़ के वो कभी नहीं जाते. हमने देखा भी है कि अगर हमारे डॉग जो रहते हैं स्ट्रीट डॉग, उसमें भी हमने देखा है कि एक कुत्ता अगर दूसरे कुत्ते के पीछे जबरदस्ती भाग के भी, मतलब 100 की स्पीड से भी भागता रहता है ना, फिर भी जब उसका एरिया आता है तो अचानक वो स्पीड ब्रेक मार के वो वापस मुड़ जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ उसका एरिया फिक्स हो गया कि यह मेरा एरिया नहीं है, यहाँ से मुझे आगे नहीं जाना है. तो एनिमल में भी ऐसा रहता है, तो वो अपने ही मूवमेंट एरिया में मूवमेंट करता है. तो ये फास्ट डेवलपमेंट एरिया में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. दूसरा कि डेवलपमेंट में रोड, फिर रिसोर्ट्स, होटल्स, ये जब जो डेवलपमेंट करने के लिए जो सभी हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो सभी डेवलपमेंट की वजह से जो लाइन का सही में एरिया है, उसका जो जंगल है, उसका जो घर है, वो हमने अपना घर बना लिया है, उसका घर हमने अपना बना लिया है अपना समझ के. फिर हम क्या बोलते हैं कि लायन हम पे अटैक करते हैं, लायन हमको मार दे, लेकिन सही में लायन हमारे घर नहीं आए, हम उसके घर में घुस गए, उसकी वजह से वो अटैक करते. तो ये 21st सेंचुरी में, मतलब अभी जो फास्ट युग है डेवलपमेंट का, उसमें ये सभी होने के वजह से जंगल का एरिया जो है वो कम होता जा रहा है और ह्यूमन पॉपुलेशन है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है.
पर डेवलपमेंट करना भी नेसेसरी हो गया है वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के लिए. तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों के बीच में बैलेंस कैसे? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डेवलपमेंट में हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि अगर जहाँ जरूरत पड़ती है, सही में जहाँ जरूरत है वहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए, कि जहाँ जंगल नहीं है वैसा एरिया भी काफी सारा है तो वहाँ डेवलप कर सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि यहाँ कोई वाटर का सोर्स है, यहाँ जंगल नजदीक पड़ता है, तो वो एरिया को छोड़ के दूसरे काफी सारे एरिया जो है, ये काफी सारे विस्तार है, वहाँ हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ होटल्स बना सकते हैं. सर अगर हमें कोई स्नेक बाइट हो जाती है तो इमीडिएटली कौन से प्रिकॉशन हमें फॉलो करने चाहिए? स्नेक बाइट हो जाती है तो सबसे पहले जो व्यक्ति को स्नेक बाइट हुआ है उसको कामली आराम से बिठाना चाहिए ताकि उसका जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो नॉर्मल तरीके से चलता रहे. दूसरा काम ये करना चाहिए कि उसके जहाँ बाइट हुआ है वो साइड से हार्ट की ओर, मतलब हृदय की ओर, हृदय और वो बाइट के बीच में कोई बैंडेज लगा देना चाहिए ताकि जो सर्कुलेशन है वो इतना फास्ट हार्ट तक ना पहुँचे और उसको प्रिवेंट किया जाए कि उसका जो पॉइजन है वो हार्ट तक जल्दी से जाके कार्डियक अरेस्ट ना करे. तीसरी प्रिकॉशन वो लेनी चाहिए कि जो बाइट किया हुआ पार्ट है उसको सिर्फ टेप वाटर या फिर सोप से वॉश करना चाहिए और वो भी जेंटली वॉश करना चाहिए. ऐसा नहीं कि जितना मतलब किस किस के वॉश करेंगे तो उसका ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो भी थोड़ा दिक्कत करेगा, तो आराम से उसको वॉश कर लेना चाहिए. उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो पर्सन को नज़दीक के प्राथमिक आरोग्य केंद्र या नज़दीक का जो कोई हॉस्पिटल है वहाँ ले जाके उसको एंटी वेनम दे देना चाहिए ताकि वो उसका लाइफ बचा सके और कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने से बचा सके. हमारी कंप्यूटिंग जैसे मिक्स होते हैं, मतलब कि जब भी कोई भी स्नेक्स को देखते हैं तुरंत डर जाता है या फिर उसे डर लगते हैं, तो मतलब ऐसी तो क्या है मिक्स के बारे में कि इतने लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड विलेजेस हैं जहाँ पर स्नेक को कुछ अलग ही मिथ्स उनके फॉलो करते कि स्नेक ये है वो है, तो मिथ दूर करने के लिए क्या करेंगे? अभी स्नेक के बारे में हमारे समाज में काफी सारे मिथ्स प्रसरे हुए और अभी भी इतने फास्ट युग में भी हम वो मिथ्स पे हम डिपेंड करते उसको मानते हैं. सबसे पहला मिथ्स ये है कि सांप दूध पीता है, तो सांप सही में दूध नहीं पीता है. हमारे जैसे नाग पंचमी के त्यौहार आते हैं उस टाइम हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जाते हैं दूध का कटोरा लेके उसको दूध पिलाने के लिए जाते हैं, उसको चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आज सांप दूध पिया, उसने बहुत सांप ने दूध पिया. सही में ऐसा नहीं है. हाँ, सांप दूध पीता है, कब पीता है कि अगर वो जो वहाँ आता है सांप और उसको पूरा डिहाइड्रेशन हुआ रहता है बॉडी, तो वो दूध भी नहीं, कोई अब कोई भी चीज़ डालेंगे लिक्विड वो पी लेगा. बाकी सांप दूध नहीं पीता है, वो वेनमस और एंटी मतलब नॉन वेनमस और वेनमस दो तरह के स्नेक होते हैं और वो मांसाहारी है तो वो दूध नहीं पीता है. सबसे पहली वो बड़ी मिथ ये थी दूध पीता है. दूसरी नागमणि होती है. सही में नागमणि अभी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नागमणि जैसा कोई चीज है ही, हाँ हमारे बनाई हुई नागमणि है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि नागमणि हमने पाई है, नाग के सर पे होती है, उसको लेके वो सोने, मतलब हमने ऐसा भी सुना है कि वो सोना कर देती है लोखंड को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. सही में नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती. तीसरा मिथ ये है कि अलग अलग मतलब एक साथ दो तीन उसके फेस वाले स्नेक होते हैं, मतलब उसको दो तीन चेहरे होते हैं. हाँ है, वर्ल्ड में काफी स्नेक ऐसे हैं जिसके दो चेहरे होते हैं, मतलब दो मुंह होते हैं, और वो दो मुंह वाला जो स्नेक है उसके दो मुंह आपस में खाने के लिए लड़ झगड़ भी सकते हैं, ऐसा एक स्नेक है. बाकी पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि सभी स्नेक ऐसा होता है, वो मिथ्स नहीं है. ऐसी एक स्पीसीज आती है जिसमें दो मुंह रहते हैं उसके स्नेक के, और वो आपस में लड़ झगड़ भी सकते हैं और दो अलग अलग एक्टिविटी भी कर सकते हैं. और उसके बाद एक मिथ ऐसी है कि अगर आप सांप को मार डालेंगे, सही में पहले तो मैं ये बता दूं कि सांप को सही में मारना ही नहीं चाहिए. हम क्या है, सांप को देखते हैं तो हमारे पहले से ऐसी साइकोलॉजी बंधी हुई है हमारे समाज में, हमारे मन में. जब हम छोटे होते हैं ना तभी हमको ऐसा सिखाया जाता है कि अगर सांप को देखो तो मार देना है उसको, सही में मारना नहीं चाहिए, क्योंकि पोषण कड़ी जो है उसका वो पार्ट, तो पोषण कड़ी के पार्ट के हिसाब से उसको बचाना चाहिए. अभी हम देख रहे हैं कि हमारे घर में अगर हमारे कोई कोठार है, उसने हमने अन्न दाना वगैरह जो संग्रह किया हुआ है उसमें सभी में चूहे हो गए, बढ़ गए. क्यों बढ़ गए? क्योंकि समाज में ऐसे धीरे धीरे करते इसका इफेक्ट कब आता है, हम जो कोई भी काम करते हैं ना तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे करके लंबे टाइम पे आता है.
तो अभी सालों के बाद हम अपने समाज में देख भी रहे हैं कि चूहे का पॉपुलेशन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? इसके वजह से ही बढ़ गया कि लाइफ जो उसका पोषण कड़ी है उसमें से हमके ये पार्ट को हटा दिया है, तो उसको जो खाने वाला था वो तो अभी जिंदा बच गया है, चूहे इसलिए बढ़ गए। तो सांप को मारना नहीं चाहिए, फिर भी ऐसा एक मिथ प्रसरा हुआ है समाज में कि हम सांप को मार देते हैं ना तो जो नागण रहती है मतलब फीमेल सांप, वो उसका वेयर लेने के लिए आती है, हमको मारने के लिए आती है। अब वो सही है कि अगर हमने कोई सांप को मारा होता है तो वहाँ पे दूसरा सांप आता है, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीजन है क्यों आता है। क्योंकि जब भी हम कोई सांप को मार देते हैं ना तो अमुक घंटे के बाद थोड़े टाइम के बाद उसमें से फेरोमोन सीक्रेट होते हैं जो मेल हॉर्मोन है, तो फेरोमोन सीक्रेट होने की वजह से फीमेल जो है वो मेटिंग के लिए अट्रैक्ट होकर वहाँ आती है। तो इसकी वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि वो उसका बदला लेने के लिए आई, सही में वो साइंटिफिक फिनोमेना है इसलिए वो वहाँ आती। सर आपने बोला कि स्नेक दो टाइप के होते हैं, वेनोमस एंटी वेनोमस, तो हमें अगर स्नेक बाइट हुआ है तो क्या हम खुद पता लगा सकते हैं कि ये जो स्नेक जिस स्नेक ने हमें बाइट किया है वो वेनोमस है या एंटी वेनोमस? जी जरूर पता लगा सकते। और हम जो जाते हैं ना सांप डंकने के बाद या सांप करड़ने के बाद वो जब हमें बाइट करता है स्नेक, तो हम चले जाते हैं कोई भुआ या फिर कोई मदारी उसके पास चले जाते हैं, और वो ऐसा बोलते हैं हमारा हाथ देख के ही वो ऐसा बोलते हैं कि चलो हम उतार देंगे, दो तीन दिन तक आना पड़ेगा आपको। फिर अगर वो नहीं उतारने वाले होते तो देख के बोल देते हैं कि नहीं नहीं भाई ये शायद हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये पॉइजनस स्नेक ने काटा है या नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। पॉइजनस स्नेक जब काटता है ना तो उसको दो तरह के दांत होते हैं ऐसे, तो वो जब बाइट करता है तो उसका मार्किंग जो है हमारी स्किन पे वो दो ऐसे स्पॉट होके जो बनता है ऐसे दो ही उसका निशान रहता है, जैसे बाइट किया है उसका दो ही पंचर वोट रहता है। जबकि नॉन पॉइजनस जो स्नेक रहते हैं उसका पूरा जड़बा है वो ऊपर का दांत वाला रहता है, तो जब वो काटता है हमें यहाँ पे तो उसका पूरा मार्किंग रहता है, जैसे हम किसी को बाइट करते हैं ऐसे मुँह से और जो छाप बनती है वैसी छाप नॉन पॉइजनस स्नेक में बनती है, तो वो जो काटा हुआ मार्किंग है उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। और ऐसे काफी केसेस है कि लोग मर जाते हैं कि इसकी वजह से, स्नेक काटने की वजह से नहीं मर जाते, लेकिन 90% लोग जो है उसका डेथ स्नेक ने काटा है ना उसके डर से ही हो जाते हैं। सर आप बेसिकली कौन सी टेक्निक्स यूज करते हो एनिमल्स को रेस्क्यू करने? एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए हम दो तरह की टेक्निक होती है हमारे पास, सबसे पहले तो हम फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। तो फिजिकल टेक्निक जो रहती है वो हम बाय रोप केज या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट उसकी हेल्प से करते हैं, केज में रिंग केज, ट्रैप केज, साइड शटर लॉक केज, पेरोड केज, वो सभी केजेस आती हैं जिसका यूज करके हम एनिमल को ट्रीट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं और उसको ट्रैप करते हैं। दूसरी टेक्निक जो है वो इमोबिलाइजेशन की टेक्निक है, मतलब एनिमल को हम केमिकल इमोबिलाइजेशन करके उसका रेस्क्यू और ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल इमोबिलाइजेशन में डार्ट गन आती है जो एयर गन है, जिसमें CO2 गैस का यूज होता है, CO2 सिलेंडर रहता है, उसमें प्रेशर मेंटेन होके कितना डिस्टेंस तक हमें गन लगाना है, कितने डिस्टेंस तक डार्ट को मतलब कितने डिस्टेंस तक एनिमल को डार्ट करना है उस हिसाब से हम प्रेशर मेंटेन करके एनिमल को हम डार्टिंग करते हैं। Our nation India is a home to huge forests with a wide number of wild animals present in it. There are many huge forests like Gir Forest, Sundarban Forest and many more. According to latest census, there are approximately 4,000 tigers present in India and approximately 674 lions. 75% of world tiger population is found in India only. Sir, क्या आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अभी लायन शो बहुत बड़ा हुआ है पूरे गुजरात में, और मैं एक मैसेज ऐसा पास करना चाहूँगा कि लायन कंजर्वेशन में सभी पब्लिक की तरफ से हमें थोड़ा रिस्पांस मिले, लायन कंजर्वेशन में वो हमारे साथ सहभागी बने और लायन कंजर्वेशन में हमें वो साथ दे। अभी काफ़ी सारे ऐसी प्लेसेस है और गवर्नमेंट भी हमारी इतनी ट्राई कर रही है और वो थोड़ा दूसरा प्रोजेक्ट भी रख रही है कि सफारी पार्क भी अभी दूसरे भी 3-4 और सफारी पार्क पब्लिक के लिए ही ओपन कर रही है, तो गवर्नमेंट इतना पब्लिक के लिए जो कर रही है तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि पब्लिक भी उसको साथ दे, गवर्नमेंट की जो योजनाएं है उसका जो
कंजर्वेशन करने का जो तरीका है उसमें उसका भी सहभागी होना जरूरी है। तो लायंस को थोड़ा ना करें, जब भी अगर उसको लायन देखना है या फिर कोई और देखना है तो अभी जूज भी है हमारे पास, काफ़ी सारे प्राणी संग्रहालय है, तो वहाँ जाके वो डिफरेंट स्पीसीज भी देख सकते हैं। और जो सफारी पार्क है हमारे शासन में, ओपन सफारी भी है, तो वहाँ जाके भी वो लायन देख सकते हैं। तो अगर पब्लिक जो है वो सभी सरकार की कंजर्वेशन में साथ दे के लायन शो ना करे और हमारे साथ भी लायन कंजर्वेशन में थोड़ा सा। सर ये जो सफारी पार्क है और जू है उनको अगर कोई विजिट करता है, टूरिस्ट विजिट करते हैं, तब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि कोई एनिमल्स को या फिर वो सफारी पार्क को कोई नुकसान ना पहुंचे? अगर वो सफारी पार्क की विजिट करते हैं उस टाइम ना कोई ज्वलनशील पदार्थ या फिर कोई हाई साउंड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सभी साथ में नहीं ले जाना चाहिए। प्लास्टिक वगैरह जो बैग्स है वो भी कहीं पे भी जंगल में इधर उधर थ्रो नहीं करनी चाहिए। अगर आप साथ में ले भी जाते हैं तो अपने ही व्हीकल में या फिर अपने कोई पर्स वगैरह में रख के उसको बाहर आके फिर उसको जला देना चाहिए। और जंगल में एनिमल्स को अगर आप देखते भी है सफारी में जाके तो उसको टीज नहीं करना चाहिए। आराम से उसको देखो, उसके फोटोग्राफी करो, लेकिन उसको टीज ना करो और आराम से देख के फिर उसका एंजॉय लो। सर आपका जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आपकी 24/7 की जॉब है, तो आपको कभी कभी बहुत ही ऐसे पर्सनल मोमेंट होते होंगे जो आपको मिस करने पड़ते, तो क्या आपको रिग्रेट होता है या फिर आप अपनी जॉब से इतना अटैच हो कि आपको कोई फर्क, मतलब इतना ज्यादा कोई फर्क? मैं मेरी जॉब से इतना अटैच हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन के साथ मेरा हॉबी है। मैंने पहले ही बोला कि मेरा प्रोफेशन के साथ मेरा हॉबी है, तो मुझे बहुत ही आनंद महसूस होता है। और ये जो जॉब है उसको करके भी मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। और काफ़ी बार पूरे जब ये एक 2017 से 2019 का पूरा पीरियड ऐसा था, आपने भी सुना होगा कि केनाइन डिस्टेंपर वायरस जो लाइन में आया था उस टाइम हमने पूरा कंटिन्यूस 15 डेज तक एक ही जगह पे हमने 15 डेज निकाल दिए थे, लेकिन घर नहीं गए थे हम। लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि अरे यार ये क्या है, हमें घर जाना चाहिए, हमें समाज में एंजॉय करना चाहिए, ऐसा कभी भी मन में विचार भी नहीं आया था। ना मुझे सिर्फ नहीं, लेकिन मेरे साथ जो पूरा स्टाफ था वो पूरा अपना घर बार सभी छोड़ के हम सभी साथ में ही उसका ट्रीटमेंट, उसका रेस्क्यू जो सभी थे वो करने में लगे हुए थे। लेकिन कोई भी स्टाफ ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला था कि सर अभी हमें घर जाना है तो हमें घर एक दिन जाने थे। पूरे 15 दिन तक हम एक ही जगह पे एक ही जंगल की साइड में, और वो भी मच्छर और जो सभी माखी वगैरह से भी रहता है अंदर जंगल में वो काटते थे, फिर भी हम उधर रहे थे। लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि हम घर जाके थोड़ा एंजॉय कर ले। तो ये वो भी देखते वीडियो में कि कैसे सर ऑफिसर सर एनिमल्स को रेस्क्यू करते। Thank you.
Thank you.
सर हमने वीडियो में भी देखा कि आप एनिमल्स को एनेस्थेसिया दे रहे थे डार्टिंग के रूप में, तो आप की मात्रा क्या होती है और आप कैसे देते हैं? क्योंकि ह्यूमंस में तो हम इंजेक्ट कर लेते हैं, तो एनिमल्स में कैसे करते हैं? ये जो इंजेक्ट हम ड्रग जो इंजेक्ट करते हैं डार्ट में, उसकी मात्रा हम एनिमल को देख के अप्रोक्सीमेट डिसाइड करते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितने वेट का होगा एनिमल। जब हम नज़दीक जाके उसको देखते हैं तो एनिमल को देखने के बाद हम उसकी मात्रा डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से हम तय करते हैं कि कितनी मात्रा में हमें ड्रग डार्ट में डालनी। और डार्ट में हम जाइलेजिन और केटामाइन जनरली यूज़ करते हैं जो ह्यूमन में ही होता है, वही सेम ड्रग ही ह्यूमन में ही यूज़ होती है, लेकिन हमारे जो डार्ट करने की जो ड्रग की मात्रा है वो ह्यूमन से थोड़ा ज़्यादा रहता है। और वो डिसीजन हम एनिमल को देख के ही ले सकते हैं, क्योंकि एनिमल को पकड़ना ही होता है, उसके पहले हम उसका वेट या फिर उसका मतलब बॉडी कंडीशन डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना डिहाइड्रेटेड है, कितना वेट का होगा, वो सब हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अप्रोक्सीमेट मात्रा है वो हम यूज करके उसको डार्टिंग करते हैं। लेकिन जो जाइलेजिन और केटामाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे इतने साल में मैंने देखा है कि वो सेफेस्ट ड्रग है जो हम इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद वो लाइफ थ्रेटनिंग आज तक कभी तक नहीं हुई है, उसकी वजह से एनिमल का डेथ हो गया हो ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। तो वो जो ड्रग है जाइलेजिन और केटामाइन वो हमारे एनिमल में इंसर्ट करते हैं, वो सेफ ड्रग। कड़ी मेहनत करते हैं आप, अपनी लाइफ को तक डेंजर में रख के एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें करने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया तो सबसे मैं पहले इंटरव्यू था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उस टाइम अभी मेरा मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अभी शुरू था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू था और अभी 6 महीने बाकी थे, फिर भी उस टाइम मैं अप्लाई करने के लिए गया, तो उस टाइम लोगों मतलब ऑफिसर्स ने बताया कि आपको 6 महीने बाद खत्म करके अपना एजुकेशन खत्म करके दूसरा जॉब नहीं ज्वाइन करना है, यहाँ आना है तो ही हम आपका सिलेक्शन करें। तो मुझे अंदर से इतना क्यूरियोसिटी था कि नहीं मुझे वाइल्ड लाइफ में काम करना है, तो उसकी वजह से मैंने उसको हाँ भी बोल दिया। और जब हम घूमने के लिए गए थे तब मेरा एक मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो हमारी उस टाइम के गाड़ी हम पूरे फैमिली के साथ कनकाई बानेज वगैरह घूमने गए थे, तो वहाँ हमारी गाड़ी बंद हो गई तो धक्का लगाने की ज़रूरत थी क्योंकि पूरे डाल में ही रुक गई, तो धक्का लगाने के लिए भी हम नीचे नहीं उतर रहे थे, एक दूसरे को दाव दे रहे थे कि भाई नीचे उतरो नीचे उतरो, यहाँ लाइन आएगा काट लेगा हमें नुकसान कर देगा। फिर भी वो जो मोमेंट था तब मैंने ऐसा बोला था कि अगर मुझे यहाँ जॉब मिल जाए तो बहुत मज़ा आए। तो पहले से ही जब मैं पढ़ता था और मेरा चालू था डिग्री कोर्स, उस टाइम पे भी मुझे ऐसा था कि मुझे जंगल में छोड़कर, तो तब मैंने उसको ज्वाइंट कर लिया कि ठीक है 6 महीने बाद मैंने जॉब भी ज्वाइंट कर लिया। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि आपको इतना डेंजर में रह के भी काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो जब भी हम कोई एनिमल को ट्रीट करते हैं उसके बाद उसको देखते हैं, हमारे सामने होता है एनिमल, उसका कंडीशन भी हमने देखा होता है कि भाई कितना सीरियस था और कहाँ आके वो अभी कैसे आराम से घूम रहा है, जब उसको हम देखते हैं ना तो अंदर इतना सारा एनर्जी आ जाता है कि नहीं ये सही है, हम जो कर रहे हैं ना, हम जो पटे हैं, हमने जो सीखा है वो हमने अप्लाई किया है, उसका ये उदाहरण है और हमारे सामने वो रहता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको कि एक लाइनेस थी, सही में वो ऑफिसर ने मुझे ऐसा ही बोला था कि सर लाइनेस का डेथ हो गया है और आपको पोस्टमार्टम के लिए आना है। तो जब वो लाइनेस को देखने में गया तो पूरे उसके बॉडी पे मैगट पड़े हुए थे, मैगट मतलब छोटे छोटे जो जीवात रहती है वो हो गई थी, उसको कान भी मतलब मुँह करने की उसमें ताकत नहीं थी। और वो उस टाइम हमने वो लाइनेस को देखा तो जब उसको टच मैंने किया तो थोड़ा सा उसने आँख का मूवमेंट दिया, बाकी बॉडी तो पूरा मूवमेंट दे ही नहीं रही। तो वो जब लाइनेस को हमने उठाया फिर हमने उसको हॉस्पिटल पे लाके पूरा पहले होश किया कि मतलब जो ड्रग है उससे होश किया ताकि वो मैगट वगैरह सब कुछ हम रिमूव कर सकें। और दूसरे दिन तो वो मतलब सभी जो स्टाफ उस टाइम हाजिर था उसने तो लकड़ी भी इकट्ठा कर रही थी कि कल उसको जलाना ही पड़ेगा सर कि उसका डेथ ही हो गया है, लेकिन उसका सिर्फ आँख का मूवमेंट। उसको मैंने कंटिन्यूसली 8 दिन तक ट्रीट किया और वो लाइनेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने उसको रिलीज किया। फिर 3-4 साल के बाद स्टाफ मिला मुझे रास्ते में, जब मैं जा रहा था तुलसी श्याम मंदिर की ओर ट्रीट करने जा रहा था एक लाइनेस को, तो रास्ते में मुझे स्टाफ मिला, उसने बताया कि सर ये लाइनेस जो जा रही है ना
वो आपने ट्रीटमेंट किया था ना वो लाइनेस है। तो फिर मैंने उसको देखा, तो लाइनेस को तो मैंने देखा ही, लेकिन उसके पीछे उसके तीन बच्चे जा रहे हैं। तो उसको देख के इतना मजा आया कि नहीं, सही में हम कितने खुश नसीब है कि लोगों को यहाँ देखने आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, देखने आने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और वो जो हमें मिली है और हमें सेवा का मौका मिला है, तो वो जब मन में विचार आता है ना, तो अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी आ जाती है और अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। और उस टाइम हमें कुछ नहीं दिखता, बस इसकी सेवा और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ वही दिखता है। एनिमल्स के साथ एक प्यारा सा इमोशनल अटैचमेंट है जिससे की मदद बहुत ही अच्छे से कर सकते। जी जी सर, आपके जो वीडियोज है वो देखकर लगता है कि आप फोटोग्राफी के लिए भी पैशन है। जी जरूर, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंट सही में कैप्चर कर लेना चाहिए, जबकि कहीं पे भी मैंने अपने मतलब अपनी तरह से अपने फेसबुक पे भी काफी सारे फोटोज रखे हुए हैं जो बर्ड्स के हैं, एनिमल्स के हैं, वो इसलिए भी रखा है ताकि क्या है कि इन फ्यूचर अगर कोई हमारा फेसबुक देखे और वो पेज देखे तो उसको पता चले कि नहीं ये बर्ड ये है। अभी क्या है कि फ्यूचर में जैसे हम काफ़ी पॉपुलेशन और काफ़ी बर्ड्स एनिमल ऐसे है कि जो लुप्त हो गए उसको सिर्फ हम पेपर पे ही देख सकते हैं, फोटोग्राफी में ही देख सकते हैं। तो मेरा दूसरा इंटेंस वो भी है कि अगर वो उस पेज को लाइक करे देखे या फिर सिर्फ देखे उसको लाइक करे या ना करे, लेकिन सिर्फ उसको देखेंगे ना तो भी वो वीडियो से उसको पता चलेगा कि ये बर्ड कैसा होता है, उसकी मूवमेंट कैसी होती है, लाइन ऐसा होता है जैसे इंडियन फ्लाईकैचर है, तो वो जो दुधराज हम उसको बोलते हैं, दुधराज भी अभी लुप्त होने जा रहा है ऐसा बर्ड है। तो काफ़ी सारे फोटोग्राफ मैंने उसके भी खींचे हैं, लेकिन फोटोग्राफी की काफ़ी मोमेंट ऐसी है कि मज़ा आता है कि ये मोमेंट लाइफ लॉन्ग फिर देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा सोच के कभी कभी मैं फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। तो सर, आपकी ये जो पहले से अब तक की वाइल्डनेस की जर्नी है, वो जर्नी को सोसाइटी तक पहुँचाने के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्री शूट की? जी, मेरा डॉक्यूमेंट्री 2019 और 2020 के बीच में एक डॉक्यूमेंट्री मेरी शूट हुई थी, एनिमल प्लेनेट वाले जो आए थे उस मतलब शूटिंग करने के लिए, द लाइन द एनिमल किंगडम करके सीरीज आ गई, द एनिमल किंगडम एनिमल प्लेनेट पे, वो डॉक्यूमेंट्री का 7th 8th और 9th एपिसोड जो है उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्री शूट। सर, आपने अब तक एप्रोक्सीमेटली कितनी मेरी अब तक की 11 साल की लाइफ में मैंने अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 लेपर्ड को ट्रीट किया है और 1200 से 1300 लाइन को ट्रीट किया है। That's a huge number, son. तो सर, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की एनिमल प्लैनेट्स वाले हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था क्योंकि वो 6-7 महीने तक वहाँ हमारे गिर में ठहरे थे और जब भी उसको लगता था कि कोई मोमेंट ऐसा है हमें शूट करना है, पूरे दिन तक वहाँ बैठे रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उसने कैमरा लगाया, हम पूरे एक बहुत बड़े पर्वत पे जाके बैठे थे और वहाँ बारिश हो गई, तो उसका कैमरे को बचाना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, हमारा नीचे आना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, और जो मोमेंट को कैप्चर करना चाहते थे वो तो चला ही गया क्योंकि लाइन वहाँ बैठा था, बारिश की वजह से वो वहाँ से निकल गया। तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि बहुत मज़ा आया, लेकिन वो 6-7 महीने की शूटिंग में हमने बहुत अच्छा महसूस किया और हमें बहुत अच्छा फील। Conclusion: India's wildlife is a precious treasure that must be preserved and conserved for the future generation. Our country's natural beauty is intricately linked by the diversity of its animals and plants life. Let us recommit ourselves to the cause of conservation of strive, foster a harmonious coexistence between humans and wildlife. Together we can make a difference and secure the future of India's magnificent fauna. We are very grateful for your commitment towards our wildlife sanctuaries, and we also thank you for sparing your time in coming here. We also thank Gajera Trust and Gajera Group of Schools for giving us this opportunity. Thank you.